हेलो गाइस, टुडे इज़ माय कुकिंग व्लॉग। कुकिंग व्लॉग इसलिए क्योंकि खाना बनाना मेरा शौक है। इसके लिए तैयारी करेंगे हम लोग। ये नींबू लेंगे, एक छोटा सा नींबू है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नींबू लेंगे। साथ में आप देख रहे हैं एक टमाटर है, हाँ जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये छोटे छोटे प्याज लिए हुए हैं, साथ में अदरक है जिसको छोटे 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 टुकड़ों में मैंने काट लिया है ग्राइंड करने के लिए। ये दो हरी मिर्ची है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं इसको। थोड़े से लहसुन, 4-5 कली। ये टमाटो सॉस है, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये 2 रंडी दालचीनी टेस्ट के लिए, हल्का सी मिठास के लिए। ये आपकी लाल मिर्च है, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, चम्मच नहीं है। आप देख ही रहोगे, ये रिफाइंड रखा हुआ है। और ये कड़वा तेल, हाँ ये ज़्यादा है क्योंकि मैं कड़वा तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ खाने में। ये रहा टोटल सामान 250 ग्राम छोले बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं क्योंकि मुझे स्पाइसी बनाना पसंद भी नहीं और खाना भी नहीं। चलिए अब गैस ऑन करते हैं। हाँ जी, ये हो गई गैस ऑन। इस पर रख दिया मैंने कुकर। कुकर गर्म होने तक इंतज़ार करते हैं, थोड़ा बर्तन गर्म हो जाए। इसमें मैंने 1 चम्मच कड़वा तेल डाला, सरसों का तेल, जिसे सरसों का तेल भी बोलते हैं। तब तक हम अपनी इधर मिक्सी तैयार करते हैं। ये इसको मैंने जार को इसमें सेट कर दिया जी। थोड़ा स्लो स्लो सही, लेकिन ठीक है। ओके, हाँ पिच लगाना तो ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ जी, अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, जैसे मिर्ची होगी, लहसुन होगा, अदरक है, प्याज है, देख रहे होगे आप, ये रही दालचीनी, इस सबको इकट्ठा जार में डाल दीजिए। एक साथ, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, सब एक साथ आप डाल दो। ये देखिए मैं डाल दिया, ये इसका फाइन पेस्ट तैयार हो गया। आप थोड़ा दरदरा करिए, ज़रूरत नहीं है महीन करने की। और इधर हमारा तेल स्टार्ट हो गया, ये मैंने डाल दिया। चिंता मत करिए, जले नहीं है, सिर्फ चार आई है कैमरे पे। आप चलने दें इसको, धीमे धीमे चलाना चालू करें थोड़ा सा, हाँ जी, ताकि लगने ना लगे, तुरंत ना लगने लगे। तब तक ये मसाले, 1 सेकंड दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं 1 सेकंड रुके। हाँ जी, देखिए वो सारे मसाले तैयार हैं। मैं एक लेयर कर दूं कि पुड़िया में मसाला है ये। तब तक मैंने टमाटर पीस के रख लिया है, सिंगल टमाटर है, मैं बता दूं आपके सामने था उतना ही है। इधर ये मसाला मेरा पक्के धीमे धीमे तैयार हो रहा है, ये देखिए धीमे 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 हल्का गुलाबी हो रहा है। मैंने आँच धीमी कर दी। अब ये नमक मैंने डाला, हाँ जी, टेस्ट के अकॉर्डिंग है। वैसे बहुत ज़्यादा नमक तो नहीं खाना चाहिए कहा जाता है, पर फिर भी ओके, कभी कभी चलता है चटपटे चीज़ों में। और ये बस 2 मसाले, और ये 1 रुपये वाला सब्जी मसाला, रेशियो अच्छा मिलता है इससे बनाने में, एक्चुअली मुझे अच्छा मिलता है, अच्छा टेस्ट आता है इसको। ये देखिए कलर, देखिए कितना प्यारा आना चालू हुआ है। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा चलाने से अगल बगल चिपकने का डर नहीं रहता, वरना प्याज जब तक छोड़ता नहीं पॉट, तब तक वो चिपकने का डर बना रहता है उसको अगल बगल पॉट में। अब ये मैंने उसी में टमाटर डाल दिया। ध्यान रखिएगा, टमाटर डालने से पहले, मसाले डालने से
कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। हाँ जी ये देखिए, चलाते रहिए धीमे 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 धीमे। हाँ मेरा हाथ थोड़ा जल्दी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप ही कर सकते हो। ये देखिए धीमे धीमे मसाले ने तेल छोड़ना चालू कर दिया, हल्का हल्का, पर अभी मैं इसको पका नहीं कहूँगी, ये पका नहीं है। थोड़ी देर इसको धीमे धीमे और चलाइए, अभी भी ये पूरी तरीके से पका नहीं है, तेल जरूर छोड़ा है। अब देखिए इसमें टमाटो सॉस, आप इसी समय टमाटो सॉस को ऐड कर दीजिए। इसको भी मिलाइए, मिलाई अच्छे से को अच्छे से मिक्स होने दीजिए धीमे धीमे। हाँ आंच जो होती है उसको थोड़ा धीमे रखिएगा, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसमें मैंने एक चम्मच नींबू का रस मिला दिया, जो नींबू मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था वही नींबू है, मैंने उस पूरे नींबू को उसमें मिला दिया और साथ ही ये छोले मिक्स कर दिए उस मसाले में। ये पूड़ी है जो मैंने भगवान के भोग के लिए बना के रखी थी, मैंने कहा ये भी मैं बता दूं कि उनकी सबसे पहले मैं लगाती हूँ, किसी भी चीज़ का भोग मैं पहले उस लगाती हूँ। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हमारी पूड़ी और छोले, यम्मी लग रहा है ना आई थिंक, और खाने में भी टेस्टी है। विश्वास कीजिए मेरा बहुत टाइम नहीं लगा मुझे बनाने में, आप देख ही रहते, बहुत टाइम नहीं लगा मुझे बनाने, मैंने जल्दी से जल्दी बनाया है, पर खाने में यम्मी थे और बहुत स्पाइसी भी नहीं थे। भगवान के बाद भोग होता है कन्या का, जो कि मेरी बेटी है, वो बताती है मेरा कैसा, आप लोगों को हेलो कर रही है, वो बताएगी आपको टेस्ट कैसा है, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, टेस्ट कैसा है वही बताएगी। शायद उसको अच्छा लगा, थैंक यू।